देखो ये इधर ध्यान दो, ये तुम्हारा यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहा हूं, क्या है प्रोग्राम जरा दिखाओ। ए इक्वल टू 10, फिर क्या है वाइल ए लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है प्रिंट ए। देखो ऐसी स्थिति में ना तो इंक्रीमेंट, देखो नीचे ना तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना डिक्रीमेंट हो रहा है, ऐसी स्थिति में ये जो 10 इनिशियल वैल्यू है इसी को ये बार बार प्रिंट करेगा। तो इसको हम सेव करके चला के देखते हैं एक बार, क्या पता कुछ अलग आ जाए, लेकिन यही आएगा ठीक है ना, क्योंकि अनुभव ये बता रहा है मेरा कि यही आएगा। तो ये देखो ये हो गया, अब देखो ये क्या कर रहा है, बार बार 10 10 कर रहा है। अब देखो इसमें चेंजेस कैसे होते हैं जरा ध्यान देना। अब जैसे ही हम यहाँ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हमने ए प्लस इज इक्वल टू, हम एक एक करके इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, दो दो करके या तीन तीन करके, चलो दो दो करके करते हैं। दो दो करके करेंगे तो क्या होगा, दो दो करके करेंगे तो यहाँ 10 के बाद क्या आएगा, 11 12 आएगा, 12 आएगा फिर 13 14 आएगा, 15 16 आएगा, 17 18 आएगा, 19 20 नहीं आएगा ना, आ जाएगा 20 भी आएगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू भी दिया गया है। ठीक है तो एक बार चलाते हैं देखते हैं 20 आता है कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए 20 तक आ रहा है ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्रिंट करेगा। अब इसमें चेंजेस जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे ये चेंज होता जाएगा ठीक है ना। अब यही प्रोग्राम आप चाहे तो फॉर लूप से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए फॉर लूप से बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फॉर और लिखेंगे आई इन रेंज, रेंज लगा देता हूं मैं ठीक है। कहां से स्टार्ट करना है, 10 से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है, 20 तक जाना है, और कितने का स्टेप रहेगा, दो दो का स्टेप रहेगा। तो हो तो गया, बस बन गया प्रोग्राम आपका, यहाँ प्रिंट करवाइए और देखिए यही प्रोग्राम फॉर लूप से यही प्रोग्राम व्हाइल लूप से दोनों हो जाएगा ठीक है ना। ये आसान है, देखिए वही चीज है। अब चूंकि यहां पर लेस देन इक्वल टू था ना, यहां पर तो इक्वल टू रहेगा नहीं, मान लो 20 ही तक प्रिंट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर 21 कर दो, यहां पर 21 कर दो। अब यही प्रोग्राम फॉर लूप से यही प्रोग्राम व्हाइल लूप से दोनों, अब देखो ये 20 तक आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, 20 तक आ रहा है ठीक है ना।